के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई है, जो इसका तरह कलम और किताब की लड़ाई है। और अभी पूरा देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित हुए। और जब वो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों का देहांत हो रहा है उसमें भी प्राण डाल सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का भारत सरकार एक सूची बनाए जो प्राण डालने वाले लोग हैं, और सूची बनाकर बॉर्डर पर हर सेना के बटालियन के साथ एक प्राण डालने वालों को वहां रखे, ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसके प्राण डाल दे। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कमी है, हर हॉस्पिटल में एक प्राण डालने वाले को वहां रखे, ताकि हमारे लोग का मरे और वो प्राण डाल सके। अगर वो प्राण डालने में असफल हो जाते हैं, नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे देश में पखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और पखंड और अंधविश्वास फैलाना अपराध है कि नहीं है? अपराध है ना। और ऐसे अपराधियों को कहां होना चाहिए? जहां होना चाहिए वह भारत सरकार पहुंचा दे, हम यही आग्रह करेंगे। लेकिन फिर इस 24 के ही चुनाव में मनुवाद का ही प्रयोग किया जाएगा। आपके बीच आपके बहुजन समाज के लोग ही आएंगे, नरेंद्र मोदी जी को हराना है और तेजस्वी जी को 25 में लाना है, तो मानववादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा और झूठ और सच में फर्क समझना पड़ेगा, अंधविश्वास और शिक्षा में फर्क समझना पड़ेगा। आज पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है राम मंदिर का स्थापना होने वाला है, और उसके राम मंदिर के आश्रय भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं, मैं ओबीसी एससी के भाइयों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये शंभु कौन था जिसका राम राज में हत्या किया गया? वो शंभु कौन था? वो शंभु हम ओबीसी एससी के लोगों के बीच का शंभु था जिसका हत्या राम राज में किया गया, और वो शंभु का गलती क्या था कि हत्या हुआ? उन्होंने ओबीसी एससी मतलब सभी सुंदर भाइयों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। क्या शिक्षा देना गुनाह है क्या? अगर सुंदरों को शिक्षा देने वाले का उस राम राज में हत्या हो जाता है, उसका हत्या करने वाला कौन है? जो हमें शिक्षा दे रहा है उसका हत्या हो जाता है, और हत्या करने वाला कभी हमारा हो सकता है क्या? हो सकता है हमारा? तो समझना पड़ेगा हमको। अंधविश्वास जो लड़ाई हमारी है इस पर 24 की, अंधविश्वास पखंड ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।